ये सारा घर भोज का खाने का इंतजाम था लगभग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर ब्लॉग। तो दोस्तों जो है अभी मैं गोरखपुर के मोतीराम अड्डा पे से 2 किलोमीटर मतलब फूल मार्केट है भैंसहा चौराहा इधर पीछे लिखा हुआ था, तो यहीं आया हूँ। कुछ रिलेटिव लोग हैं उन्हीं लोगों को लेकर। अब यहाँ से जो है निकलेंगे तो चलेंगे नौका विहार, उन लोगों को नौका विहार छोड़ेंगे, फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रिक मार्केट में, क्योंकि जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ सामान वगैरह ले ही लिया जाए जो दुकान पे इस समय शॉर्ट चल रहा है। लेकिन अभी क्लियर नहीं कि लोग नौका विहार जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं सोचा हूँ अगर लोग एग्री हुए तो उन लोगों को छोड़ दूंगा, वो लोग नौका विहार घूमेंगे और मैं तब तक जो है मार्केट से अपना सामान वगैरह जो लेना है वो ले लूँगा। तो पीछे जो है हरियाली है और इधर भी घर है, तो अभी उधर चलेंगे। अभी खाना पीना खा के रोड की साइड में आया था टहलने के लिए, तो मैं सोचा वो यार ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। तो चलिए जैसा होता आगे आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहें। इलेक्ट्रिक मार्केट अगर पहुंचते हैं तो क्या वहाँ पे इस समय नया है या किस तरह का माहौल चल रहा है, तो सारी चीज़ें जो है आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग में जो है लास्ट तक बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह से आगे जो है ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों जो है अभी बैकग्राउंड जो है काफ़ी आपको हरा भरा दिख रहा होगा और ये है धान की फसल और ये खेत का जो है धान बिल्कुल समझ लीजिए तैयार। कैमरे तो मुझे लग रहा कि ये था काटने लायक हो गया, लेकिन अभी काटने लायक नहीं हुआ, लेकिन लग रहा कि 20 दिन में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं सामने वाले कैमरे से एक बार आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी धान बिल्कुल हरा है और ये है कि लगता है कि 20 दिन में जो है ये काटने के लायक हो जाएगा। लेकिन यही इसके बगल में देख सकते हैं अभी धान के मतलब आया भी नहीं, इस तरह से बाल जो है नहीं आई, बिल्कुल हरा अभी वो दिख रहा है। और ये है घर जहाँ पे हम लोग आए थे, ये मामा जी के लड़के हैं मतलब उनके ससुराल में वो मकान बनवाया अपना, तो आज घर भोज का प्रोग्राम था यहाँ। तो दोस्तों जो है ये है ईंट भट्टा और ये सारा जो है ना ये राबिस अभी दिख रहा है। राबिस के अंदर जो है आपका जो है ईंटा पकाया जाता है, कुछ ईंटे आपको दिख रहे होंगे ऊपर, तो ये लगता है बारिश के पहले ईंटा ये डाला गया था और अभी इसे निकाला नहीं गया, लगभग जब ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे इसकी निकासी होती रहती है। तो करीब में ही था जहाँ पे भी मैं आया हूँ, तो सोचा कि चलो यार थोड़ा ईंट भट्टे की तरफ भी घूम लिया जाए और बाकी जो रिलेशन के लोग आए हुए हैं पीछे उधर देख सकते हैं काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं भी साथ ही में चला आया था घूमने के लिए, तो सोचा दिखाई देता हूँ आपको। पीछे साइड में निकला हुआ, लेकिन वो पीछे आप बहुत देख सकते हैं वहाँ पर जो ईंट निकला हुआ है। चलिए आपको ईंट भट्टे की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं ईंट कहाँ से निकला हुआ है। ये तो चिमनी है, धुआं इससे ऊपर जाता है सीधे और कुछ बाहर ईंटा निकला हुआ उधर, और यहाँ से भी जो है देखिए यहाँ से निकासी चालू है, ईंटे की निकासी यहाँ से हो। ये चिमनी में जो है धुआं जो जाता है शायद इधर ही से जाता है और ये सब ईंटा निकल गया। इसी तरह से जो मतलब चिमनी के पूरे साइड साइड में जो है ईंटा ही गजा हुआ है और धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे जो है निकाला जाएगा। दोस्तों जो है अभी लगभग 3:47 हो रहा आप देख सकते हैं, और अभी तक हम लोग यहीं पे अभी तक निकल नहीं पाए यहाँ से, और मौसम जो है आप देख सकते हैं काफ़ी घना लग चुका है, बारिश हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वैसे भी हल्का हल्का झीसा पड़ रहा है। अगर बारिश हो गई तब तो मार्केट जाना जो है समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं होती तो कन्फर्म है मार्केट जाएंगे, लेकिन कितने टाइम में निकला जाएगा अभी देखते हैं। शायद लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे निकलेंगे फिर आपको आगे जो है दिखाया जाएगा मार्केट जाना है कि नहीं जाना है। तो बारिश जो है काफ़ी तेज से शुरू हो गई, उम्मीद ही नहीं किया था कि बारिश होगी, जबकि मैंने कमेंट भी कर दिया था कि ये बादल बारिश का नहीं है। तो ये सारा घर भोज का खाने का इंतजाम था, लगभग सारा खाली हो गया होगा और मेहमान सारे लगभग जा चुके हैं, बस हम लोगों भी निकलने की तैयारी हो चुकी है। लगभग 4:15 हो गए, 4:18। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी रेलवे क्रॉसिंग के रूप में सामने रेलवे क्रॉसिंग सारी गाड़ियाँ लगभग रुकी हुई। तो दोस्तों जो है ट्रेन तो जो है क्रॉस हो गई, लेकिन पता चल रहा कि जो फाटक जो है ना वो लॉक हो गया, खुल नहीं रहा, तो चलते हैं देखते हैं खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। गाड़ियाँ तो जो घूम घूम के दूसरे रूट से जाने के लिए तैयार है, अगर नहीं खुलेगा तो हम भी जो है घुमा के फिर गाड़ी दूसरे एयरपोर्ट के रास्ते ही निकलेंगे, लेकिन अभी चलते पहले
फाटक तक जो है देख लेते हैं कि क्या कुछ चांस है कि नहीं है, क्योंकि अगर पीछे घूम के जाएंगे तो करीब 18 किलोमीटर दूरी बढ़ जाएगी। ये सामने रेलवे का फाटक है, देख सकते हैं आप, सारी गाड़ियाँ लाइन से जो लगी हुई है फाटक गिरने की वजह से। अच्छा उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, सामने उस साइड का फाटक उठ गया, करीब पहुँचते पहुँचते फाटक उठ गया। और अब हम लोग फिर वापस जा रहे गाड़ी पास, और 4:46 इसमें लगभग हो गया। तो चलिए जो है निकलते हैं, और मार्केट तो लगभग जाना कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश वगैरह हो गई और शाम ज़्यादा हो गया है, तो देखते हैं, प्लान तो कैंसिल ही है। तो अभी जो है 6:54 हो चुके हैं, और जस्ट अभी मैं जो है दुकान पे आ रहा हूँ उन लोगों का घर पे छोड़ के, मतलब कितना 3:45 या 4 बजे बाद ही वहाँ से निकला था, अभी भूल गया जो है। तो अभी दुकान पे आया हूँ, दुकान पे पापा हैं, अहद है, एक लोग और हैं, बाकी तो लगता है लोग चले गए। तो जो है कल बारिश होने की वजह से मैं मार्केट नहीं गया, चलाया वहाँ से डायरेक्ट घर पे। और अभी कल बारिश में आया तो बंद हो गई थी, लेकिन रात से बहुत ही बारिश है, मतलब मैं देख सकते हो छाता लगा के अभी जो मस्जिद गया था नमाज पढ़ने। दोस्तों जो है अभी घर पहुँच गया हूँ, करेक्ट 5:27 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि आज की ब्लॉग अगर पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बारिश अभी भी चालू है, मतलब जारी अभी, तो और पूरी रात बारिश हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो।